वेल गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पांच ऐसे रूमर्स के बारे में जो कि हमने पहले WWE में जरूरी सुना होगा और लोग इसे सच भी मानते थे पहले के ज़माने में। तो उसी रूमर्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कौन कौन से रूमर्स है वो जाने इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट रूमर के बारे में बात करें जो कि है WWE लेजेंड अंडरटेकर और केन दोनों भाई है। अंडरटेकर और केन भाई है, ये तो ज़्यादातर फैंस ही मानते थे क्योंकि WWE ने खुद ही ऐसा प्रेजेंट किया था कि अंडरटेकर और केन भाई है और अंडरटेकर ने केन को जला दिया था, लेकिन केन बच गए थे और केन उन्हीं का बदला लेने अंडरटेकर से लड़ने आए हैं WWE में, ऐसा WWE दिखाती थी। अब तो सभी को पता चल गया है कि अंडरटेकर और जो केन है वो रियल लाइफ में भाई नहीं है, इसलिए ये रूमर तो अब पूरी तरह से सभी को पता चल चुका है। हम चलते हैं नेक्स्ट रूमर पे जो कि केन का जो चेहरा है वो जला हुआ है। केन जब से उन्होंने अपना डेब्यू किया था वो मास्क पहन के ही लड़ते थे, जब उन्होंने अनमास्क किया तब WWE ने ऐसा दिखाया कि जो केन का चेहरा है वो पूरी तरह से जला हुआ है। अंडरटेकर ने केन के चेहरे को जला दिया था और उनके चेहरे पे ऐसे जले हुए दाग भी नजर आ रहे थे, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये एक स्टोरी लाइन का हिस्सा था लेकिन पहले फैंस इसे बिल्कुल सच मानते थे। हम चलते हैं नेक्स्ट रूमर पे जो कि है बिग बॉस मैन की सच में मौत हो गई थी। तो WrestleMania 15 में हमें बिग बॉस मैन और अंडरटेकर बीच हेल इन अ सेल मैच देखने को मिला था। मैच खत्म होने के बाद अंडरटेकर ने बिग बॉस मैन को फांसी में लटका दिया था और ऐसा दिखाया गया था कि बिग बॉस मैन की सच में मौत हो गई थी। इसे देखकर जो वहां पर बैठे थे लाइव क्राउड वो काफी ज्यादा डर चुके थे और सभी को मानना था कि बिग बॉस मैन सच में उनकी मौत हो गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो एक स्टोरी लाइन का हिस्सा था। अब बाद में बिग बॉस मैन ने अपना फिर से WWE में रिटर्न कर लिया था। हम चलते हैं नेक्स्ट रूमर पे जो कि है अंडरटेकर 7 बार मर के जिंदा हो चुके हैं। ये रूमर तो ऑलमोस्ट हर बंदे ने सुना होगा कि अंडरटेकर 7 बार मर के जिंदा हुए हैं, क्योंकि WWE में उनका कैरेक्टर था डेडमैन, जिनको मारा जाता था लेकिन वो बार बार आ जाते थे जिंदा होकर, ऐसा उनका कैरेक्टर था। और फैंस इसको पहले बिल्कुल पूरी तरह से सच मानते थे कि अंडरटेकर 7 बार मर के जिंदा हुए हैं। जिस तरह से WWE इसको रिप्रेजेंट करती थी कोई भी मानेगा कि ये बिल्कुल सच है, लेकिन आज के इंटरनेट के ज़माने में ये सब पता चल चुका है कि ये बिल्कुल फेक था, ये स्टोरी लाइन का हिस्सा था, इसलिए ये रूमर तो अभी सभी को पता चल चुका है। हम चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट रूमर के बारे में जो कि है अंडरटेकर के क्लास में बाकी रेसलर्स की आत्मा होती थी। पहले ज़माने में जब अंडरटेकर के साथ पॉल बेयर आते थे तब फैंस को लगता था कि पॉल बेयर के हाथों में जो क्लश होता है उस क्लश में बाकी रेसलर्स की आत्मा है, ऐसा फैंस को लगता था। बाकी रेसलर्स की आत्मा के साथ साथ फैंस ये भी समझते थे कि उसी क्लश में अंडरटेकर की भी आत्मा है, ऐसा फैंस का मानना था। लेकिन ये बात तो आप सबको पता है कि ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड और स्टोरी लाइन का हिस्सा था, लेकिन जिस तरह से WWE इसको ऐसा दिखाती थी और उसमें इंटरनेट का जमाना नहीं था तो फैंस तो बिल्कुल इसे सच ही मानते थे। वेल गाइस, ये रूमर्स तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। तो गाइस वीडियो तक थे, आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय दोस्तों।